भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े त्यौहार यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 17 को लेकर बीसीसीआई अभी से ही टेंशन में आ गई है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि बीसीसीआई इतना ज्यादा यहां पर परेशानी में फंसती हुई नजर आ रही है आईपीएल सीजन 17 की अगर बात की जाए, जिसका आयोजन अगले साल मार्च में होना है। क्या है पूरा मामला, आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ये दिक्कत है यहां पर बीसीसीआई के सामने वो है शेड्यूलिंग की, कि किस तरह से यहां पर जो विंडो है आईपीएल की उसका आयोजन यहां पर किस तरह से करती है बीसीसीआई। क्योंकि जनवरी 25 से लेकर 11 मार्च के बीच में यहां पर इंग्लैंड का दौरा है, इंग्लैंड भारत आएगा, यहां पर 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज होगी जो कि 11 मार्च तक चलेगी और उसके बाद आपको आईपीएल का आयोजन कराना है। लेकिन आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है यहां पर क्योंकि मई और जून के महीने में भारत में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और वहाँ पर हमने कई बार पहले भी देखा है कि जब चुनाव होते हैं तो आईपीएल को कहीं ना कहीं भारत से बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है। अब मई जून के महीने में यहाँ पर चुनाव होने हैं, उससे पहले जो छोटी सी विंडो है उसमें सारे मैचेस कराना बेहद ही मुश्किल काम है। साथ ही साथ अगर आप आईपीएल सीजन 16 को देखें तो 31 मार्च से आईपीएल के सीजन 16 की शुरुआत हुई थी और 30 मई को यहाँ पर आपका फाइनल मुकाबला खेला गया था। वैसे 28 मई को खेला जाना था लेकिन बारिश के चलते वो 2 दिन आगे तक चला गया। अगर इसी चीज को, इसी शेड्यूल को लेकर हम 2024 में जाते हैं तो कहीं ना कहीं टीम यहाँ पर फंस जाएगी, टीम इंडिया के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि 4 जून से T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है जो कि वेस्टइंडीज और यूएसए में होना है, वहां पर दिक्कतें हो सकती है। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आईपीएल की शेड्यूलिंग कैसे होगी। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पे कि क्या भारत में आईपीएल हो भी पाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा 2009 की तरह कि आईपीएल को साउथ अफ्रीका में शिफ्ट किया गया था जैसे, वैसे ही कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। 2020 और 21 में हमने देखा कोविड के दौरान कि आईपीएल को दुबई यूएई में शिफ्ट कर दिया गया था। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर कि क्या आईपीएल को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाएगा यहाँ पर भारत से बाहर, या फिर कुछ और बीच का रास्ता यहाँ पर बीसीसीआई निकाल पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर, आप अपनी राय दे सकते हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। और ऐसी अन्य वीडियोज़ के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।